द इक्वेशन 2x + 5y इज इक्वल टू 7 हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ x, y आर। तो इसको देखने का सिंपल तरीका ये कह सकते हो कि 2x + 5y इज इक्वल टू 7 है, तो किसी एक वेरिएबल का निकालो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 5y डिवाइडेड बाय 2, तो इस साइड आ जाएगा, पहले 5y को इस साइड सबट्रैक्ट किया फिर 2 डिवाइड में आ गया। अब यहां देखें तो अगर y की वैल्यू 0 होगी, अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0, 7/2 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 1 है तो 7 - 5 = 2, 2/2 = 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब यहां से देखो तो अगर y और x यहां क्या है, नेचुरल नंबर है 1 1 में। अब अगर y की वैल्यू कोई और नेचुरल नंबर हो जैसे 2, ठीक है, तो 2 जैसी होगी तो ये क्या हो जाएगा 10, 7 - 10 = नेगेटिव नंबर, तो ये तो नेचुरल नंबर कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव हो गया। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से ग्रेटर, 1 से इंफिनिटी तक, उसमें नेगेटिव नहीं होता है। तो जैसे अगर y की वैल्यू 1 के अलावा कोई और रखोगे 1 से ज्यादा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, और 0 रख रहे हैं तो ये x की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है। तो हमेशा एक ही नेचुरल नंबर पॉसिबल है x और y के, 1 1, इसके अलावा कोई और हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो नेचुरल नंबर नहीं रहा।